मेरे चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट हैं। अगर आपने परचेज़ किए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी मॉक दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है। रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। और कल आई थिंक RRB क्लरिकल प्री का भी एग्ज़ाम है, सो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी कल RRB क्लरिकल प्री है, कल और परसों है। उसके बाद आई थिंक 19 को है, सो यू हैव टू, जिनका तो अभी कल और परसों है वो अपना प्री पे फोकस कीजिए, और जिनका 19 को है वो थोड़ा थोड़ा, मतलब मेंस का एक DI, एक रीजनिंग का, बाकी GK से टच रहिए, ठीक है। और बाकी दो दो मॉक अपने क्लरिकल के लगाइए, ठीक है, दो मॉक आप लगा सकते हो, दो सफिशिएंट हैं, ठीक है। बाकी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और GK को बिल्कुल भी छोड़िए मत, GK साथ साथ करते रहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यंगर प्रेफर्स पेरेंट्स डायगो। ये चाइनीज कोडिंग नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया है। यहाँ पे इन सिंबल का कुछ मतलब होगा, ये नंबर कैसे है, ये हमें लॉजिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले तो देखो कुछ कॉमन तो नहीं है। यंगर प्रेफर पेरेंट्स डायगो, ग्रांटेड डेसिमल ड्राइवर्स यूकॉन, जेनेटिक प्रोफाइल ग्रेनेडा, डोर्स प्रॉफिट इल्ड यम एंड पियानो, नो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें देखना है, देखो यहाँ पे हैश है, जो सिंबल देखो किस कितने सिंबल हैं, हैश है एक, ये वाला है, और क्या बोलते हैं इसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक डॉलर है, ठीक है, एट द रेट है, 4 सिंबल आपके पास दिए हुए हैं। सो यहाँ पे देखो 2 लेटर कॉमन है ना, इल्ड और यमन में YY कॉमन है ना, तो YY कॉमन है, और प्रॉफिट्स और पियानो का फर्स्ट फर्स्ट लेटर भी कॉमन है, तो यहाँ से तो हम बता नहीं सकते कि वाई के लिए कौन सा लेटर चूज़ किया इन्होंने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखो प्रेफर्स पेरेंट्स डिएगो एंड यंगर, तो यहाँ पे देखो डिएगो अलग डिएगो है, और यंगर का यहाँ से हमें दिख जाएगा YY, देखो यहाँ पे कॉमन है ना, तो हाँ यंगर का ये वाला, ये जो कर्ली जैसे है ना, ये वाला होगा, ठीक है। तो Y के लिए मैं ये डिनोट करती हूँ ऐसा वाला, और P के लिए आपका है, नहीं सॉरी, P के लिए आपका है, यहाँ पे देखो प्रेफर पेरेंट्स है ना, P के लिए आपका ये वाला है, ठीक है, और Y के लिए है आपका हैश, ये हमें पता लग गया, ठीक है। और डायगो एक बच गया, तो D को डिनोट किया है आपको एट द रेट से, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो जी को किससे डिनोट किया है, ग्रांटेड है, D को तो आपको पता लग गया एट द रेट होगा यहाँ पे 2 बार, हाँ, और Y को आपको पता है, Y को हैश से डिनोट किया है, तो G को आपको डॉलर से डिनोट किया, ठीक है। और कोई लेटर बचा नहीं, बस यही थी इसमें, ठीक है। अब देखो कोड कैसे निकाला है, यहाँ पे देखो जैसे डिएगो का हमें पता है, D के लिए क्या डिनोट किया था, एट द रेट, ठीक है, तो एट द रेट 6Q वाला है हमारे डिएगो का, क्योंकि यहाँ पे एट द रेट वाला और तो कोई है नहीं, तो हमें सबसे जो यूनिक वाला है ना वो यहाँ से फाइंड करना होता है, ठीक है। सो देखो एट द रेट तो आ गया डी के लिए, बाकी ये 6 कैसे आया, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर हैं, और बाकी क्यू बताऊँ फ्रेंड्स क्या किया है, यहाँ पे जो ओ है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी थी, 15, तो 15 में 2 ऐड करो, 15 + 2 = 17, 17 पे क्यू आता है, तो मतलब 15 के बाद एक लेटर छोड़ के क्या आएगा, क्यू, तो मतलब 15, मतलब क्यू क्या था यहाँ पे, हाँ OPQ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका क्यू, अब आपको बताना है एट द रेट क्यू, और ये 6 कैसे है, 6 या तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि या तो 5 लेटर हैं प्लस 1 कर दिए, नो ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो देखो यंगर में जो है यंगर का कोड होगा हैश वाला, ठीक है, 15 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं,
तो 15 के लिए फ्रेंड्स ये जो फोर्थ लेटर है, मतलब जो भी इनका मिड लेटर है ना उसमें प्लस वन किया है इन्होंने। जैसे एन 14 है, एन के बाद प्लस वन ऐड कर दिया, 15 आ गया, ठीक है। बाकी आर एस टी लास्ट लेटर में टू ऐड करना है और वो राइट कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले तो अपने नोटबुक में ये डिनोट कर लो, पी का है करली वाला, वाई के लिए हैश कोड है, डी के लिए एट द रेट है और जी के लिए डॉलर है, ठीक है। वैसे अब देखो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ पी एन ओ का क्या कोड है, तो पी के लिए क्या कोड है, हैश सॉरी करली, पी के लिए करली लगा दिया मैंने, ठीक है। लास्ट लेटर ओ है, ओ पी क्यू, दो इसमें ऐड किया, ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला आ जाएगा मेरा पी एन ओ का, क्योंकि यहाँ पे तो यू है, ठीक है, ओ पी क्यू, और टू है तो टू देखो पांच लेटर है, मिड लेटर ए है, ए में प्लस वन ऐड किया तो ए के बाद क्या था बी, तो बी का प्लेस वैल्यू था टू, ठीक है। तो ये आ गया करली ब्रैकेट करली टू क्यू, ओके। सो वैसे ही अब आपको जैसे मान लो यहाँ पे ईस्ट का पूछा है, ईस्ट का क्या कोड है, तो वाई के लिए क्या लेटर डिनोट करते हैं हम, हैश, लास्ट लेटर टी है, टी यू वी, ठीक है। और मिड लेटर इसका ए है, ए में प्लस वन ऐड किया तो बी, बी की प्लेस वैल्यू टू, तो इसका आएगा हैश टू वी, हैश टू वी, ठीक है। सो इसी तरह से आपको करना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। अब आपको मेरे को बताना है कि इसका क्या कोड, अगर कोड दिया है तो कैसे निकालते हैं। देखो डॉलर है, डॉलर हमारा था जी, तो या तो गेज होगा इसका आंसर या फिर गोल्स, ठीक है, इन दोनों में से होगा कोई, ठीक है, क्योंकि डॉलर के लिए जी था। बाकी लास्ट लेटर में टू ऐड करते हैं तो ई एफ जी, नहीं ई वाला तो होगा नहीं, एस टी यू, यस गोल्स, तो डेफिनेटली ये होगा, ठीक है। और बाकी डॉलर यू और मिड लेटर इसका ए है, ए में प्लस वन ऐड किया तो टू आ गया, तो डॉलर टू यू, ये है हमारा गोल्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है ये आपको बताना है मेरे को, ग्रीक और डिपॉजिट का क्या कोड होगा, इनमें से बताइए, ये आपका होमवर्क है। सो ये तीन क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपको बताने हैं, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट करवा दूँगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी एक मैं नंबर सीरीज़ का बता देती हूँ आपको, क्वांट में फ्रेंड्स ये नंबर सीरीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे सीरीज़ के, ठीक है। कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी दे रही होते हैं और यहाँ पे कुछ वेरिएबल डाल दिया उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो थोड़ा मतलब एलजेब्रा टाइप में दे दिया होता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली, और यहाँ पे बोला ऑल द सीरीज़ फॉलो सेम पैटर्न, मतलब जो सीरीज़ वन में पैटर्न फॉलो कर रहा है वही सीरीज़ टू में करेगा। तो 12 से 26, 12 + 14 कितना है, 4 तो 6, मतलब 26 से 12 गए 14, उसके बाद 42 से 26 गया 16, फिर 60 से 42 गया 18, उसके बाद तो देखो 14 + 2 = 16, 16 + 2 = 18, फिर 18 + 2 = 20, तो मतलब 60 + 20 = 80, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 80, ठीक है। उसके बाद देख लो आप 80 में 22 ऐड करके 102 आ रहा है, तो हमारा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। वैसे यहाँ पे होगा 62 से 48 गए कि नया 14, फिर उसके बाद 14 + 16 क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो 62 में 16 ऐड करो, 6 2 8 78, तो बी की वैल्यू हमारी 78 आ गई, ठीक है। उसके बाद 78 में 18 ऐड किया, फिर 96, फिर 20 ऐड किया, फिर 22 ऐड करेंगे तो 116 में 22 ऐड किया, कितना 6 + 2 = 8, 2 और 1 = 3, 138, तो 138 को अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर दूं तो 6 2 = 12, 9 2 = 18, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ क्या आएगी हमारी 69, ठीक है, क्योंकि 69 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 138 आएगा, ठीक है। सो ये आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, टू ऑफ सी, मतलब 69 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया था 138,
प्लस बी की वैल्यू कितनी है 78, तो कितना हो गया 8 8 16, 7 3 10 11 216 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 80 से 78 गया 2, तो 10 2 20 8 2 16 108 आएगा इसका आंसर। ठीक है, सो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी यहाँ पे क्या बोला है, अब आपको ये बताना है, मैंने आपको वो बता दिया था ए बी सी की वैल्यू, ये वाला आपका होमवर्क है, आपको ऑप्शन ए बी सी डी ई में से बताना है कौन सा ऑप्शन है इसका। ओके, बाकी एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताना है आपको, अगर नहीं आता तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है बस, ये आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। दो क्वेश्चन है इसके, है ना, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है। सो जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी पीयू मेंस देन यू हैव टू सॉल्व दिस। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय।